नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, टेस्ट ले एंड गुड मॉर्निंग। मैं आज यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर एक व्यक्तिगत राय देना चाहूँगा। हाल ही कुछ दिन पहले राष्ट्रीय मीडिया आज तक चैनल के अंदर फिनसोक स्तोब्टेन, जो भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं और खास करके चीन मसलों के अंदर एक विशेष के तौर पर उन्होंने एक व्यक्तिगत राय दिया। जो भी उन्होंने व्यक्तिगत राय दिया, जो भारत और चीन के सीमा के अंदर जो अभी बहुत ही तनाव का स्थिति बनाया हुआ है, उन्होंने खास करके परम पवन दलाई लामा जी के और केंद्र तिब्बती सचिवालय के बारे में उन्होंने जो भी गलत शब्द जो कहे, उसकी मैं अपनी तरफ से गौर शब्दों से निंदा करता हूं। और साथ में मैं पीस तोप्तेन साहब को एक उनको याद दिलाना चाहूंगा कि विशेषज्ञ जो भी होते हैं, जो एक खास करके जो अपना राय देते हैं, वो अब हर चीज के हर मामलों के अंदर अनुसंधान करके उसको एक अंतिम राय देता है। और मुझे लगता है कि जब आपने आज तक चैनल में जो भी अपनी राय दिया, खास के परम पवन दलाई लामा जी के बारे में, मुझे लगता है आपको हिस्ट्री एक पढ़ना चाहिए। और खास करके तिब्बत में रह रहे और भारत में रहे तिब्बतियों की स्थिति के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, आपको सोचना चाहिए और आपको अनुसंधान करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद दिलाना चाहूंगा पीस तोप्तेन साहब को, जब 1959 में चीन का आक्रमण हुआ, खास करके तिब्बत के अंदर, और परम पवन दलाई लामा जी और खास करके हजार संख्या में तिब्बती लोग भारत में आए, हमारा मकसद यहाँ पर रहने का मकसद नहीं था, हमारा मकसद तिब्बत में वापस जाने का मकसद था। और 1959 से पहले भारत और चीन का कभी भी सीमाएं नहीं हुआ करता था, भारत और तिब्बत का सीमा हुआ करता था, भारत का चीन का सीमा कभी नहीं हुआ करता था। भारत और तिब्बत की सीमाओं के बीच कभी भी एक तनाव स्थिति नहीं बना हुआ था। और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, चंद गिने चुने वहां पर बॉर्डर पुलिस हुआ करते थे और खास करके बहुत ही शांति का एक जगह बनाया हुआ था। और ये तिब्बत की आजादी का सबसे बड़ा एक प्रूफ अगर दिया जाए तो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो बनाया गया था, उसका एक बहुत बड़ा एक प्रूफ था कि तिब्बत एक पूर्ण आजाद देश था। और जब भारत तिब्बत के लोग जब भारत में आए, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारे ऐसे बहुत से जवान, खास कर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाया गया था 1962 में, जब भारत और चीन के सीमा के बीच में एक जंग छिड़ा था, उस पर हमारे बहुत से तिब्बती लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत से लोगों ने जाने भी दी। और पीस तोप्तेन साहब को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि करगिल युद्ध में भी अंदर बहुत से तिब्बती सैनिक ने अपनी जान दिया और भारत की तरफ से उन्होंने चीन के साथ लड़ाई भी लड़ा। और ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां पर देहरादून के दिगलिंग के अंदर एक युवा ने करगिल युद्ध में अपनी जान दिया था और एक मार्क उनकी याद में बनाया गया था।